बीते शुक्रवार को हुई 24 घंटे की लगातार बारिश के बाद दामोदर नदी उफान पर है। नदी में उफान के कारण इंटकवेल में भी जलकुंभी फंस गई है। इतना ही नहीं, सप्लाई पाइप भी फट चुका है, जिसके कारण झरिया के जामाडोबा जल संयंत्र से लगभग 4 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। सप्लाई बंद होने के कारण लाखों की आबादी पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। फिलहाल जलकुंभी हटाने का कार्य और पाइप की मरम्मती का काम भी चल रहा है, लेकिन पानी की सप्लाई अभी भी 1-2 दिन बाद ही होने की संभावना है। समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसका समाधान निकालने की मांग की है। उच्च अधिकारी से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि सबसे पहली बात जो माडा का जो पुराना जो पंप वगैरह जो मशीन है उसको पहले बदला जाए और नया मशीन उसमें डाला जाए, तभी पानी की यह समस्या दूर होगी। फिलहाल जो लाखों की आबादी इससे प्रभावित हो रही है, तो इसमें किसकी लापरवाही मान रहे हैं? इसकी लापरवाही जो है कि माडा का है और सरकार की है, क्योंकि माडा तो अर्ध सरकारी है और सरकार के देख रेख में ही माडा चलती है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना जो है कि जीवन नहीं चलता है, और पानी जब तक नहीं रहेगी तब तक लोग तो मर जाएंगे, बरसात के पानी को पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लास्ट में जो है कि कहीं ना कहीं से जो है बोरिंग का पानी ले आएंगे, कहीं नदी तालाब का पानी लेकर के घर में फिल्टर करके पिएंगे, ये मजबूर हो जाएगा लोग। जैसा कि अभी तक लग रहा है कि परसों दिन 1 तारीख को 1-8 को पता चला कि पाइप फट गया है पानी के प्रेशर से, तो पाइप फट जाने के कारण पता चला, कल भी पता किए तो पता चल रहा कि काम चल रहा, हम लोग जाके भी देखे काम चल रहा था, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कम से कम 48 घंटा लाखों जनता को प्यासे रहना होगा। ये इसकी लापरवाही मान रहे हैं? माडा की लापरवाही है, सरासर माडा की लापरवाही है। तो क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे कि अति 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 शीघ्र इस पर कार्रवाई, इस पर ध्यान देते हुए अविलंब इसको ठीक करके 10 लाख आबादी को कम से कम पानी मुहैया कराया जाए। जल स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फुटबॉल मेरा जो है चारों का चारों जाम हो गया है। इसको रह रह करके चलाया जा रहा, थोड़ा देर चलता है फिर बंद हो जाता है जाम, और ऐसी स्थिति में मतलब जब तक पानी का लेवल कम नहीं होगा और फुटबॉल की सफाई नहीं हो पाएगी। कर्मचारी प्रयासरत है, हम लोग भी हैं, आप देख रहे हैं इसको किसी तरह से चलाने की कोशिश। पानी थोड़ा भी कम हो जाएगा तो आदमी घुस करके फुटबॉल को साफ़ कर देगा, फिर जलापूर्ति। कब तक सप्लाई होने की संभावना सर? ये तो हमको लगता है कि अगर सप्लाई ये पानी मतलब ये हो जाएगा, हाँ, अगर साफ हो जाता तो कब तक सप्लाई हो? तब तो तुरंत हो जाएगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।